दोस्तों, कल अपने जन्मदिन पर मैं अपने मित्रों के साथ डोमिनोज पहुंचा पार्टी करने के लिए, तो एक बच्ची मिली, बोली मुझे भी खाना है कुछ। मैं कहा बिल्कुल आओ हम लोग के साथ बैठकर खाओ। बातों ही बातों में इसने बताया कि मेरा एक परिवार है, मेरा छोटा भाई है राज, उसको भी खाना है। मैंने कहा बिल्कुल बुलाओ, खिलाएंगे। फिर मैंने सोचा कि इसके जैसे कितने बच्चे होंगे जो कि किसी भंडारे में पूरी सब्जी दाल चावल तो पा जाते होंगे, लेकिन ये फैंसी आइटम खाने को नहीं पाते होंगे जो कि हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो क्या इस पर इनका हक नहीं? यही सवाल पूछकर मैंने जितने हो सके उतने पिज्ज़ा पैक करवाए और अपने गाड़ी में रख कर इन बच्चों को सरप्राइज देने के लिए तैयार हो गया। गया एक छोटे से बच्चे को उठाया तो इसके पास अंडरवियर नहीं थी, तो इसके शर्ट को ही अंडरवियर की तरह लपेट कर इसको उठाकर मैं अपने गाड़ी के पास ले गया। जैसे ही मित्रों मैंने अपनी गाड़ी की डिग्गी खोली ना, तो इन बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान थी, उससे बड़ा तोहफा मेरे लिए जन्मदिन का कुछ और नहीं हो सकता। इन बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर मैं आत्मसंतोष से भर उठा। मैंने हमेशा नोटिस किया था कि लोग आते इनको 10-5 रुपए दे के चले जाते और उस 10-5 रुपए से शायद ये खाने पीने का संसाधन इकट्ठा करते। सिर्फ इनकी जरूरतें पूरी होती, या इनकी इच्छाएं नहीं होती होंगी खुशनुमा चीजों का एहसास करने के लिए? हमारे बच्चे तो एहसास कर लेते हैं, क्या इनके हक में वो नहीं, क्योंकि बस इनके पास पैसे नहीं है? बिल्कुल है, ये सवाल आप खुद से पूछिएगा मित्रों। मुझे भी थोड़ी भूख लगी थी तो मैंने उसी बच्ची के पिज्जा में से एक स्लाइस खाया, और उसके मन में बिल्कुल भी नहीं था कि मेरा पिज्जा खाना है, वो और खिला रही थी। पर मैं वहां से चला गया, दूसरे ठिकाने पे गया शहर के, वहां भी कुछ बच्चे मिले, इन सबको बांटता गया और इनको आश्वासन दिया कि मैं अक्सर आया करूंगा आप लोगों के बीच। फिर दोस्तों, इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मैं दोबारा से खुश हो उठा। इससे मनमोहक दृश्य और क्या ही होगा, आप भी देखिए और सोचिए। बारिश में ये भीगते बच्चे मुझसे जैसे कह रहे हों कि देखो तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, और मैं भी असहाय था। जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन काश मुझे प्रभु कभी इस काबिल बनाए कि इनके लिए बहुत कुछ कर सकूँ। इस बच्ची का पिज्ज़ा भीग न जाए, इसके लिए उसने अपने पिज्जे को अपने घाघरे से ही छुपा लिया। शायद रात जैसा इसका भी छोटा भाई घर पे इंतजार कर रहा हो। आगे बढ़े तो कुछ और बच्चे बारिश में नहा रहे थे, घर पे शायद पानी नहीं आता होगा तो बारिश से ही मन भर रहे थे। इनको भी मैंने कुछ कुछ पिज्जा दिए, इनके लिए ये अनएक्सपेक्टेड था। एक बच्चा मिला, वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए सैल्यूट करता है, पर मैं इनको सैल्यूट करता हूँ कि इतने विपरीत परिस्थितियों में भी ये इतने खुश रहते हैं। इनको भी कुछ पिज्जा दिए और कहा कि रोड से बगल होके नाचो। और फिर दोस्तों मैं वापस से अपने घर की ओर चल पड़ा, यही सोचकर कि मैं कितना असहाय हूँ, बेबस हूँ कि अभी भी इन बच्चों के लिए कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा मैं।